भारत का हरियाणा प्रदेश देश का एक बड़ा प्रभावशाली प्रदेश है। यहाँ के व्यक्ति दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। यहीं की मिट्टी में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी व बड़े राजनीतिक नेता जिनकी राजनीति के चर्चे देश में ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हैं, स्वर्गीय चौधरी छोटू राम, जिनको उत्तर भारत के किसान आज भगवान का दर्जा देते हैं। उन्हीं के नाती चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो भारतीय राजनीति का चमकता चेहरा हैं और आम जनता के बीच अपनी ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत की वजह से लोकप्रिय हैं, जो कि समाज सेवा को ही अपना धर्म मानते हैं। यही वजह है कि युवा पीढ़ी उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखती है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपना राजनीतिक सफर केवल 25 वर्ष की उम्र में ही शुरू कर दिया था। 4 दशक से भी ज्यादा लंबे राजनीतिक व सामाजिक जीवन में उनके दामन में कोई दाग नहीं लगा है। हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं को मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ होगा हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में अब समय नहीं है कि जातिवादी राजनीति या क्षेत्रवादी राजनीति को बढ़ावा मिले। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हर जाति हर धर्म को साथ लेकर चलते हैं। जो विकास का सपना उनके नाना चौधरी छोटू राम और उनके पिता चौधरी नेकी राम ने देखा था, विकास अब चौधरी बीरेंद्र सिंह पूरा कर रहे हैं। हरियाणा को ऊंचाइयों तक ले जाने की शुरुआत उन्होंने बरसों पहले कर दी थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने देश को विकासशील बनाने के लिए शिक्षा को एक अहम मुद्दा बताया है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने डुमरखा गांव में गरीब परिवारों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निर्माण किया, जिसमें गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसका संचालन चौधरी छोटू राम मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उचाना हलके में उन्होंने राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना का भी निर्माण किया है, जहां बालिकाओं को गांव से लाने ले जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की गई है और साथ ही वीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग की भी स्थापना की गई है। मैं हूं अपेक्षा, बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट, जो कि वीरेंद्र नर्सिंग कॉलेज की, और ये चौधरी बीरेंद्र सिंह ने लड़कियों के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लड़कियां एजुकेशन ले सकते हैं, यहाँ से अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। उसके साथ साथ एक हॉस्टल भी दिया है, जहाँ पे कि दूर दूर की लड़कियां जो हैं वो रह भी सकती हैं, एजुकेशन भी ले सकती हैं अपने एक अच्छे फ्यूचर के लिए। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने साथ में लगते एक नर्सिंग कॉलेज, वीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्थापना की है, जो एक प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्सेज करवाता है। उसमें इस इलाके से बहुत सी लड़कियां, विशेष रूप से लड़कियां GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का कोर्स करती हैं, और जिन कोर्सेज को करने के बाद जॉब की गारंटी जाके ज़्यादातर चांसेस होते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने युवाओं में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डुमरखा गांव में चौधरी नेकीराम जिम एंड लेबोरेटरी की स्थापना 2005 में की। मेरा नाम शिवेंद्र है, मैं यहाँ डुमरखा कला का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर, जिम और लाइब्रेरी की स्थापना चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने पर्सनल फंड से की थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने 1972 में अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तब भी उन्होंने अपना आत्मबल नहीं खोया और इमरजेंसी के बाद 1977 में जब एंटी कांग्रेस वेव चल रही थी, तब श्रीमती इंदिरा गांधी
चुनाव हार गई थी, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह उस वक्त भी चुनाव जीते थे। मैं आपसे ये कहूंगा कि एक ऐसी राजनीति को आप महत्व दें, उसको आगे बढ़ाएं, जो जात पात से लड़ने की क्षमता रखती हो, जो राष्ट्रीय दल हो और जिसकी अपनी पहचान हो, एक विकास के नाते, एक पारदर्शी सरकार के नाते, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की शक्ति रखने वाली राजनीतिक दल, एक ऐसा दल जो युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य तलाश सके, उनको जिंदगी में आर्थिक स्वावलंबी आर्थिक तौर पर बना सके, ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो हरियाणा के युवा के मन में हैं। और इन सभी बातों पे जिनका मैंने उल्लेख किया है, इनका एक ही उपाय है और वो ये कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस आने वाले चुनाव में एक प्रचंड बहुमत दें, जिससे कि ये सारी उम्मीद हम जो लगाए बैठे हैं राजनीतिक परिदृश्य में, आने वाले राजनीतिक परिदृश्य में, वो पूरी हो सके। चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे आदर्श नेता की आज देश को जरूरत है, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण, रोजगार को बढ़ावा दिलाया और जनहित जन कल्याण में आ रही बाधाओं को भी लांघ दिया और देश के विकास को देखते हुए भाजपा का साथ देने का फैसला किया। 16 अगस्त को हुई रैली में लाखों समर्थकों ने आकर जींद में उनका हौसला बढ़ाया। हरियाणा के विकास में उनके नाना स्वर्गीय चौधरी छोटू राम ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने 43 साल के राजनैतिक जीवन में अपना सब कुछ जनता को समर्पित कर चुके हैं और आगे भी उन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में लगाने का वचन लिया है। मैंने कभी अपने लिए, अपने तन के लिए राजनीति नहीं की है। अगर मैं अपने तन के लिए राजनीति करता तो लोग मेरा समर्थन नहीं करते। मैंने ईमानदारी से राजनीति की है और झूठ की राजनीति के खिलाफ लड़ा हूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, उन्होंने मेहनत, ईमानदारी और समाज को ही अपना धर्म माना है। हमने राजनीतिक चेतना है, राजनीतिक लड़ाई लड़ी है, आगे भी राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी के दबवार नहीं रह सकते। वीरेंद्र सिंह राजनीति में अपनी राजनीति। किसान, मजदूर और युवाओं के लिए हमेशा आवाज उठाई, यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखती है। खुद भी वो अपने आप को युवा शक्ति के बीच सहज पाते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के राजनीतिक जीवन में साई की तरह साथ रही उनकी धर्म पत्नी श्रीमती प्रेमलता यूं तो जिंदगी के उतार चढ़ाव में अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही हैं और आज राजनीति में भी उनका साथ निभा रही हैं। वो हमेशा जनता के बीच रहकर उनकी समस्या सुनती हैं और उनका निवारण करती हैं। उनके द्वार हर किसी के लिए खुले हैं। हरियाणा में महिलाएं कई समस्याओं से घिरी हैं, जैसे कि बाल विवाह, शोषण, बलात्कार, अशिक्षा, अंधविश्वास और नौकरी में उन्हें भागीदारी न मिलना। इन्हीं तमाम बातों को सोचकर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि वो खुद एक महिला हैं और एक महिला ही दूसरी महिला की परेशानियों को अच्छे से समझकर उसका निवारण कर सकती है। विकास का ही मुद्दा मेन है, बच्चों की नौकरियां, गांव का विकास हो,
पानी की कमी ना हो, महिलाओं के लिए लैट्रिन बन जाए, गरीबों को प्लॉट मिले, और जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं उनको नौकरियाँ, उनकी नौकरियाँ मिले, और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन टाइम पे उनको मिल जाए। हर गांव से मेरे को इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कि वो कहते हैं कि सरकार तो बनेगी अब की बार बीजेपी की, और हम तो ये इस कोशिश में हैं कि किसी और पार्टी का ना तो हमें समर्थन लेने की ज़रूरत पड़े और पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना सकें, यही मैं उम्मीद करती हूँ और यही हमारे को नज़र आ रहा है। उचाना सीट से भाजपा की प्रत्याशी के रूप में श्रीमती प्रेमलता जनता की सेवा के लिए खड़ी हो रही हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कमल का बटन दबाकर चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी श्रीमती प्रेमलता को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि श्रीमती प्रेमलता, जो एक कर्मठ, जुझारू और ईमानदार उम्मीदवार हैं, कमल का बटन दबाकर चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी श्रीमती प्रेमलता को भारी मतों से विजयी बनाएं। वीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करें, क्योंकि हरियाणा में पिछले दिनों जैसी राजनीति रही है, चाहे क्षेत्रवाद की राजनीति थी, चाहे जातीय आधार पर राजनीति करने वाली राजनीतिक ताकतें थी, और चाहे हिंसा में विश्वास करने वाली पार्टियां थीं, उनका अगर एक तरफ करने का आपका इरादा है तो स्वच्छ प्रशासन और एक नई दिशा हरियाणा युवाओं को कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसलिए आप सब मिलके एक नई दिशा में प्रयास करें, और उस प्रयास में आप देखेंगे कि हरियाणा के युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा।